वो घड़ी नजदीक आ गई जिसका पूरे इंदौर शहर को इंतजार था। जी हाँ, इंदौर के इतिहास में पहली बार शहर की सड़कों पर डबल डेकर बस दौड़ेगी। करवा चौथ के दिन शहर को यह खास सौगात मिली है। क्या है इस डबल डेकर बस की खासियत, देखिए एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, एमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं शैली चौहान। इंदौर ने वैसे तो कई उपलब्धियां पा ली है, उसके साथ एक और बड़ी उपलब्धि इंदौर को मिलने जा रही है, वो है डबल डेकर बस, जो इंदौर वासियों के लिए काफ़ी हद तक सुविधाजनक होगी और ये कई टेक्नोलॉजियों से भरी हुई है। तो इस बारे में, इस बस के बारे में हम और जानते हैं, हमारे साथ है सर जो हमें बताएंगे। और आप देख सकते हैं बस का, आप कलर देख सकते हैं, आप पूरा डिज़ाइन इसका डबल डेकर है, नीचे सीटर है, ऊपर भी कुछ लोग बैठ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। और इसके बारे में हम और जानते हैं सर से। तो सर, मैं आपसे इस बस के बारे में पूछना चाहती हूँ कि इस बस में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। ये बस जो है, जो हमारी पेटेंट इलेक्ट्रिक बस रहती है, उससे ज़्यादा क्षमता के लोगों को ये ट्रैवल करवा सकती है। कुल 64 सीटर बस है, ड्राइवर को मिला के 65 सीटर है। और ये कुल 4.8 मीटर इसकी हाइट है और 9 मीटर लंबी है। तो ये एक रेंज में, वन सिंगल चार्ज में 160 किलोमीटर रेंज कवर कर सकती है, जिसमें ज़्यादा क्षमता से यात्री ट्रैवल कर सकते हैं। प्रीमियम इलेक्ट्रिक बस है तो इंदौर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे माननीय महापौर जी, माननीय आयुक्त महोदय के जो निर्देश के, उसके दिशा क्रम में आज हमने ट्रायल रन टेस्ट करा है यहाँ पे। जो पहले हम जितने भी रूट्स हैं उसमें हम ट्रायल रन टेस्ट करके देखेंगे कि बसों की क्षमता कहाँ कहाँ, किस किस रूट पर हम इसको फिजिबिलिटी से चला सकते हैं। तो इस थोड़े बस के बारे में हमें, अंदर की जो इतना सुंदर इसका पूरा डिज़ाइन है, तो आप उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए क्या क्या सुविधा है। मैडम, इसमें एक तो हमने वुमन सेफ्टी को सबसे प्रायोरिटाइज किया है। हर जगह आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉप बटन्स भी लगे हैं और पैनिक बटन्स भी लगे हुए हैं। तो अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है कि किसी को लगता है कि कुछ असुविधा हो रही है, वो यहाँ पे स्टॉप बटन भी दबा सकती है, पैनिक बटन दबाएंगे, जिससे ड्राइवर को पता लग जाएगा आगे और वो यहाँ पे आ जाएंगे उस समस्या को निवारण करने के लिए। एसी बसेस है मैडम पूर्ण रूप से, जो ऊपर डबल डेकर हैं, जो ऊपर की है और नीचे पूरा कंप्लीट एसीसी है। और यहाँ पे सीसीटीवी सर्विलेंस है, तो ये जो मॉनिटरिंग है, हम हमारे जो टीएमसी सेंटर है वहाँ से पूरा इसका मॉनिटरिंग करते रहेंगे। इसके अलावा ऊपर और क्या क्या सुविधाएं आप मुझे बता सकते हैं कि ये मैडम, इसमें एक तरह से ये है कि जो हमारी सुविधा है, ये प्रीमियम रूप से हमने इसको रखा है, तो एक लोगों को एक फील आए, एक प्रीमियम लग्जरी का फील आए, तो वो ऊपर आके डबल डेकर में ऊपर के फॉर्म पे भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे भी पूरा सीसीटीवी सर्विलेंस है और ये भी यहाँ पे भी पैनिक बटन हमारे लगे हुए हैं। टोटल 64 सीटर्स हैं, आगे फ्रंट सीट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो प्रॉपर यहाँ पे पूरे इंदौर दर्शन कर सकते हैं इसमें बैठ के। तो ये शुरू में कहाँ कहाँ जाएगी इसे ट्रायल के लिए, तो इसका क्या टाइमिंग रहेगा? आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज हमें ट्रायल रन करना है, जिसमें आज हमारा रूट ये रहेगा AICTCL से हम 140 स्कीम होते हुए बंगाली से होते हुए रोबोट स्क्वायर तक जाएंगे। वहाँ पे हम फिजिबिलिटी देखेंगे गाड़ी की, कि वहाँ पे फिजिबिलिटी कितनी है, उस बेसिस पे पूरा टर्न होके वापस AICTCL आएगी गाड़ी। तो और इसमें जैसे इतनी सारी सुविधाएं हैं, ऊपर भी पूरा एसी है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी सुविधाजनक वाली ये बस है डबल डेकर, जो इंदौर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसी ही और नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।